ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ओके, उसमें का एक पार्ट मैंने जानबूझ के एंड के लिए रखा था, पेंडिंग रखा हुआ था, विच वॉज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, तो अभी पहले जो हम लोग देखने वाले, दैट इज वॉट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ इज वॉट, लेंथ इज वन ऑफ द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा हम लोग बोलते हैं सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्या, तो जो ऐसा है सिस्टम में, ओके, जिसका हम लोग बोलते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ओके, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं लेंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और हम लोग बोलते हैं कि जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, ओके, तो हम लोग जो लेंथ है, ओके, तो नैनोमीटर में भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और हम लोगों का कैपेबिलिटी एज अ ह्यूमन रेस, हम लोग बोलते हैं कि वी कैन ऑल्सो मेजर द लेंथ और डिस्टेंसेज अप टू मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। ओके, उसका ये एक एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे डिस्टेंस टू एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ओके, फ्रॉम द अर्थ, इट इज 2 × 10⁻²⁰ मीटर। जो भी यहाँ पे डिस्टेंसेस आपको दिखेंगे वो सब मीटर में दिए हैं। डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन, यानी सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार है, दैट इज वॉट प्रोक्सीमा सेंटोरी, फ्रॉम द अर्थ इज वॉट 4 × 10⁻⁙ मीटर। ओके, सपोज इसको अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁶ में से आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो 3 का जो इंडेक्स है वो कम करना पड़ेगा, यानी क्या 10⁻³-3, ओके, तो हो जाएगा 10⁻³-13 किलोमीटर। यानी ये कितना हो जाता है, 4 × 10⁻³-13 किलोमीटर। ओके, मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम द अर्थ, इट इज 6 × 10⁻½ मीटर। ठीक है, एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके, तो एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ उन्होंने दिया हुआ है 6 × 10⁶ मीटर। लेकिन मोस्टली हम लोग देखते हैं, ओके, कि अगर आप देखोगे कि न्यूमेरिकल्स में जो रेडियस ऑफ अर्थ लिया जाता है तो 6400 किलोमीटर लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ओके, इज गिवन एज 9 × 10⁻³ मीटर। ओके, अब 9 × 10⁻³ मीटर यानी कितना हुआ, तो 9000 मीटर, विच इज वॉट 9 किलोमीटर। थिकनेस ऑफ दिस पेपर, ओके, हम लोग बोलते हैं अगर कोई टेक्स्ट बुक का पेपर लिया, ओके, तो उसका जो एक पेज होता है उसका थिकनेस कितना है, तो 1 × 10⁻⁴ मीटर। 1 × 10⁻⁴ मीटर यानी कितना, तो हम लोग बोलते हैं 0.1 mm। ओके, तो देखो हम लोग कहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की बात कर रहे थे और अभी हम लोग एमएम पे आ गए। ठीक है, लेंथ ऑफ अ टिपिकल वायरस, ओके, वो कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁸ मीटर। ठीक है, यानी हम लोग बोले कि 1 × 10⁻⁸ मीटर यानी 10 × 10⁻⁹ मीटर। ओके, इसको हम लोग 10 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज गिवन एज 5 × 10⁻¹১ मीटर। ओके, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 50 × 10⁻²⁰ मीटर, एंड 10⁻²⁰ मीटर यानी हो जाता है पीकोमीटर। ओके, नैनो 10⁻⁹ रहता है, पीको 10⁻²⁰ रहता है। ओके, तो ये हो गया 50 पीको मीटर। रेडियस ऑफ अ प्रोटॉन, दैट इज 1 × 10⁻¹५ मीटर। ठीक है, अगर आप ये टेबल ऑब्जर्व करोगे आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हम लोगों ने मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की बात की, यानी वो डिस्टेंसेस भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, और जहाँ पे रेडियस ऑफ प्रोटॉन आता है, ओके, जिसका हम लोग बोलते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 10⁻¹⁵ मीटर। तो इतने छोटे वैल्यू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग बोलते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ओके, हम लोगों ने एक डेवलपमेंट हासिल की है। ठीक है, एनीवे, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज वॉट मेजरमेंट्स ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। अब मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, ओके, तो ये मैं कौन से डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग स्पेस ऑब्जर्व कर रहे हैं और अगर हम लोगों को कोई प्लैनेट जो है, ओके, वो हम लोग नोटिस करते हैं या हमको दिखता है, तो वो प्लैनेट और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, या फिर वो जो प्लैनेट है, तो जो प्लैनेट आपको दिख रहा है टेलीस्कोप के थ्रू, ओके, उसका डायमीटर कितना है, तो वो अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड है, तो मोस्ट वाइडली यूज मेथड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पैरेलेक्स मेथड। ठीक है, अब पैरेलेक्स मेथड स्टार्ट करने के पहले, ओके, मैं आपको एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट करने को बोलूँगा। ओके, आप लोगों ने पेन या पेंसिल आपके सामने इस तरह से रखनी है। ओके, हम लोग बोलते हैं कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, ओके, यानी हम लोग बोलते हैं कि पेन और हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डीडीवी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो ये हम लोग बोलते हैं इट इज मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन सी वॉट क्लियरली, यानी ह्यूमन आइज कैन सी वॉट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये आपको आ रहा है समझ में, इसको और डिटेल में सीखेंगे। ओके,
जैसे कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं लाइट रिलेटेड, रे ऑप्टिक्स या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। एनीवे अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो आप जब इसको डीडीवी या उससे थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पे रखते हो तो आपको एक ही इमेज दिखती है, ठीक है। लेकिन ओके ऐसे केस में आपने क्या करना है, सपोज ओके अब मेरे लिए ये मेरी लेफ्ट आई, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। तो जब मैं लेफ्ट आई को क्लोज करता हूँ, ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पेन है वो मैं अपनी राइट आई से देखता हूँ, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेन सेंटर में था वो थोड़ा सा क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया। कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो मेरे लेफ्ट के तरफ शिफ्ट हुआ है, ये आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि मैं मेरी राइट आंख से इसको देख रहा हूँ, ओके, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी लेफ्ट आई ओपन करता हूँ और मेरी राइट आंख जो है उसको क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो अब ये जो पेन है जो मुझे पहले इधर दिख रहा था वो थोड़ा सा क्या हो गया है, वो ओके अब जब मैं लेफ्ट आंख से देख रहा हूँ तो वो राइट में शिफ्ट हो गया। देखो जब मैं ओके राइट आंख से देख रहा था, ओके, तो वो इमेज इधर थी, लेफ्ट में थी, और जब मैं लेफ्ट आंख से देख रहा था तो वो इमेज क्या हो गई, ओके, राइट में शिफ्ट हो गई। अभी आप लोगों के लिए ये क्या रहेगा, तो अब मैं जो राइट बोल रहा हूँ तो आप लोगों के लिए लेफ्ट राइट, ओके, यस। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ओके, कि जब मैं अल्टरनेटली मेरी लेफ्ट आंख और राइट आंख, ओके, वो क्लोज करता हूँ तो इमेज मुझे इस तरह से शिफ्ट होते हुए दिखती है। आप लोग ट्राई करके देखो, ठीक है, यस। अब ये फिनोमिना जो है, ओके, उसको आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ओके। तो ये फिनोमिना जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पैरेलेक्स, ओके, यस। यहाँ पे चेक करना है, होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड लुक एट इट विद योर लेफ्ट आई क्लोज्ड। हैंड या फिर पेन या पेंसिल कुछ भी आप यूज कर सकते, ठीक है। एंड देन विद योर राइट आई क्लोज्ड यू विल फाइंड दैट योर हैंड अपीयर्स टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड, ओके। ये आप ट्राई करके देखो, आपको ऐसा दिखेगा कि जो इमेज है वो ऐसी शिफ्ट हो गई, और अगर ये आप कंटिन्यूस करोगे ना तो इमेज आपको ऐसी शिफ्ट होते हुए दिखेगी। अब रियल में शिफ्ट हो रही है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी व्यू इट लाइक दैट, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अपेरेंट शिफ्ट, या जो पोजिशन चेंज हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द अपेरेंट चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल में ऑब्जेक्ट उधर ही है, ओके, यस। तो जब मैं ओके अल्टरनेटली मेरी लेफ्ट आंख अभी बंद किए फिर राइट आंख, लेफ्ट राइट ऐसे करूंगा तो मुझे इमेज क्या होगी, इस तरह से शिफ्ट होते हुए दिखेगी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पैरेलेक्स, ओके। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया हुआ है, पैरेलेक्स इज डिफाइंड एज द अपेरेंट चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, ये पॉइंट आप लोगों ने सीईटी ओके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ओके। पैरेलेक्स इज डिफाइंड एज व्हाट, द अपेरेंट चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर। By measuring the parallax angle theta and knowing the distance between the eyes E1 and E2, okay, we can determine the distance of the object from us, okay. अब जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, this is E1 and this is what E2, okay. तो ये दोनों आंखों की position, okay, yes. और ये क्या है, ये object को हम लोग देख रहे हैं, तो आप ऐसे समझ लो ये top view है, okay. तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि ये मेरी first आंख है left और ये right है और सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसको मैं इस तरह से ऊपर से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल दिखेगा लाइक दिस, ओके। तो ये जो ऊपर से मुझे दिख रहा है ना, ओके, वही मैंने पेपर पे बनाया था, ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, तो वो टॉप व्यू है, ये क्लियर है क्या। तो ऐसा समझ लो, ओके, यहाँ पे किसी का लेफ्ट आंख है किसी का राइट आंख है, सेम ही ह्यूमन बींग है, सेम ही इंडिविजुअल है, ठीक है, और वो एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है और हम लोग उसको ऊपर से देख रहे हैं, तो उसकी ओके लेफ्ट आई की पोजिशन E1 बोली हम लोगों ने और राइट आई की पोजीशन क्या बोली, E2 बोली, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या बोली, P बोली, ठीक है। अब ओके यहाँ पे टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, एक डायग्राम बनाया हुआ, ठीक है, सब लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखना। तो आपके टेक्स्ट बुक में ओके मैं ऐसा बोलूंगा कि इनकम्प्लीट डायग्राम दिया हुआ है, ओके, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपकी जो है ओके ये लेट अस से फर्स्ट आई, इसको लेफ्ट आई बोल देते हैं, और ये आपकी क्या है, राइट आई, ठीक है। अभी हम दोनों के लिए यानी एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट जो आप लोग लेक्चर देख रहे हो, हम दोनों के लिए जो E1 है ओके वो लेफ्ट पे है, तो अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और जो E2 है वो कहाँ पे है, राइट पे, ठीक है। जब E1 एंड E2 दोनों ओपन रहते हैं तो एक्चुअल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो रहती है वो हमें दिखती है इस तरह से, ये पोजिशन भी हम लोग परसीव करते हैं, ये आपको आ रहा है समझ में, बट फिलहाल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज एक्चुअल पोजिशन, ये क्लियर है। अच्छा, अभी ऐसे केस में सपोज अगर मैं E1 क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ओके, यानी मैंने लेफ्ट आई क्या की है, बंद की है, तो ध्यान से देखना है,
ये मेरी लेफ्ट आए, ओके ये क्लियर है। आप लोगों को ऐसा लगेगा, ओके ध्यान से सुनना है, कि आप लोग सोचेंगे ये मेरी राइट है लेकिन ये मेरी लेफ्ट है, ये क्लियर है। अब मैंने लेफ्ट आय बंद की है तो मेरी राइट आय का जो विजन है वो चालू है, तो जो ऑब्जेक्ट है ना, ओके वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ओके टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, यानी मेरे लेफ्ट की तरफ, ओके। तो इसको डायग्राम में कैसे दिखा हुआ, जब लेफ्ट आय क्लोज करता हूं मैं तो यही जो पी ऑब्जेक्ट है, ओके वो आपको पी टू पे मूव होते हुए दिखता है, ओके क्योंकि आपका विजन फिर ऐसा हो जाता है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई भी है, ओके दिस वन। तो जब मैंने E1 क्लोज की भी है और E2 को ओपन रखा हुआ है, ओके तो हम लोग बोलते हैं कि जो शिफ्ट ऑफ पोजीशन होता है वो इस तरह से होता है, ये क्लियर है, ओके। तो P से आपको कहां पे रिखता है, P2 पे रिखता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, E1 को ओपन करता हूं लेफ्ट आई को और E2 को क्या करता हूं, क्लोज करता हूं। ऐसे केस में, ओके ये जो P2 पे था, ओके जो आपको इमेज फॉर्म हो रही थी, अब वो इमेज कहां पे फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट की P1 पे फॉर्म होगी। देखो ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पी पे, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया है, तो राइट आई को क्लोज कर दिया है, सिर्फ लेफ्ट आई ओपन है। तो ऐसे केस में हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। तो हम लोग बोलेंगे ये जो P1 एंड P2 है दोनों क्या है, दीज आर अपेरेंट पोजीशन, ओके ये भी क्या है, मैं बोलूंगा इट इज अपेरेंट पोजीशन, ओके। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या समझा है कि जो P है वो एक्चुअल पोजीशन है, ओके यानी एक्चुअल पोजीशन यानी क्या, तो दोनों आंखें जब ओपन रखी हुई है तो जो मेरे को ऑब्जेक्ट जहां पे दिखता है, ओके दैट इज द ओके एक्चुअल पोजीशन ऑफ द इमेज, ओके दैट वी परसेव, ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। सपोज अगर मैंने लेफ्ट आर्म ओके क्लोज की तो मुझे ऑब्जेक्ट कहां पे दिखता है, P2 पे दिखता है, और अगर मैंने राइट आर्म अगर क्लोज की तो मुझे ऑब्जेक्ट कहां पे दिखता है, P1 पे मिलता है, ओके। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलता हूं कि एक तरह का लीनियर शिफ्ट भी होता है, ओके यानी ये लीनियर शिफ्ट भी हो रहा है और एक एंगुलर शिफ्ट भी होता है। अब वो एंगुलर शिफ्ट क्या होने वाला है तो वो मैं आपको दिखाता हूं, ओके। सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट पी से P2 पे जा रहा है, ओके तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर हम लोग बोलेंगे कि ये होगा आपका क्या, दिस इज गोइंग टू बी, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके P2, ओके लेट अस से ये पॉइंट को O बोल देता हूं, P2 O P, ओके तो ये एंगुलर शिफ्ट हो गया। और अगर मैं सपोज E1 से देखता हूं और E2 अगर मैंने क्लोज की भी, यानी लेफ्ट आंख से देख रहा हूं और राइट आंख क्लोज की भी है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे दिखता है मेरे को, P1 पे दिखता है, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके तो ओवरऑल एंगुलर शिफ्ट व्हेन यू सी आइदर फ्रॉम राइट आई और लेफ्ट आई, यानी अगर आप अल्टरनेटली राइट लेफ्ट देख रहे हो तो जो आपको टोटल एंगुलर शिफ्ट मिलता है, देखो अगर आप राइट आंख से दिख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, P2, लेकिन इमीजिएटली अगर आपने राइट आंख बंद की और लेफ्ट आंख ओपन की तो वो P2 से कहां पे शिफ्ट हो जाता है, P1 की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये आपको आ रहा है समझ में। तो वो जो शिफ्ट हो रहा है वो लीनियर शिफ्ट इस तरह से हो रहा है, ओके यानी आप ऐसे बोल सकते हो P2 से P1 की तरफ जा रहा है, लेकिन उसका एंगुलर शिफ्ट क्या रहेगा, तो वो हम लोग क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो P है वो मेजर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे बता देता हूं आपको कि अगर P से P2 की तरफ हो रहा है तो वो जो एंगुलर शिफ्ट रहेगा उसको मैं बोलूंगा θ1, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं P से P1 की जगह पे हो रहा है, ओके या फिर मैं ऐसा बोलता हूं अगर P से P2 की तरफ हो रहा है तो इसको मैं θ2 बोल देता हूं θ1 की जगह पे, और P से अगर P1 की तरफ हो रहा है तो उसको मैं बोल दूंगा θ1, और जो θ1 प्लस θ2 है तो ये जो एंगल है, ओके ये वाला एंगल क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी थीटा, ओके। तो मैं अभी जो आपको बोल रहा हूं ध्यान से सुन, मैंने इमीडिएटली क्या किया, ओके यस राइट आंख मैंने ओपन रखी हुई है, ध्यान से सुनो राइट आंख ओपन रखी हुई है, ठीक है, और लेफ्ट आंख क्लोज की भी है, डायग्राम में देखो आप। तो ऐसे केस में मेरे को जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो P2 पे दिख रहा है। अब मैंने राइट आंख क्लोज कर दी और लेफ्ट आंख ओपन की तो इमीडिएटली ऑब्जेक्ट कहां पे शिफ्ट हो गया, P1 पे हो गया, ये आपको आ रहा है समझ में। तो ऐसे केस में जो लीनियर शिफ्ट है, ओके वो लीनियर शिफ्ट क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी P2 P1, एंड दिस P2 P1 इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, ओके E1 E2, ये आपको आ रहा है समझ में, यानी डिस्टेंस बिटवीन वॉट द टू आइज। अभी हर केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी जो हम केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसमें तो भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ओके ये क्लियर है। तो आई होप आपको ये लीनियर शिफ्ट समझ में आया है, ओके P2 से डायरेक्टली इमेज P1 पे हो जाती है शिफ्ट, ओके यस। मैं वापस एक बार बताता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, जो E2 है उसको ओपन रखा है, E1 को क्लोज रखा हुआ है,
ऐसे केस में जो एक्चुअल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मुझे कहाँ पे परसीव हो रहा है, पी टू पे, ठीक है। और इमिजिएटली क्या करता हूं मैं, ई टू को क्लोज कर देता हूँ और ई वन ओपन कर देता हूँ, तो पी टू से ऑब्जेक्ट कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यानी उसकी इमेज कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, पी वन पे हो जाती है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं दिस इज वॉट, दिस इज लीनियर शिफ्ट, पी टू पी वन, विच इज इन दिस पर्टिकुलर केस विल से इट इज इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट, ई वन ई टू। तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज लीनियर शिफ्ट ऑफ द इमेज, ओके। और ये जो लीनियर शिफ्ट रह रहा है वो भी कौन सा है, तो अपेरेंट इमेज का ही शिफ्ट है, ओके। पहली वाली अपेरेंट इमेज, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो ई टू से आपको जो अपेरेंट इमेज दिख रही है वो, ओके, जब ई वन से दिखेगी तो जो शिफ्ट रहेगा वो पी टू से पी वन की तरफ रहेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? अच्छा, इसका जो एंगुलर शिफ्ट होने वाला है तो वो एंगल कैसे मेजर करेंगे? तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, अगर मुझे एंगल मेजर करना है, एंगुलर शिफ्ट, तो अगर मैं पी टू का, ओके, विद रिस्पेक्ट टू पी, ओके, अगर मैं एंगुलर शिफ्ट मेजर करना चाहता हूँ, दैट विल बी वॉट, तो लेट अस से ये पॉइंट मैं ओ बोल देता हूँ। देखो, हम अभी जो हम लोग एंगुलर शिफ्ट मेजर करेंगे ना, विद रिस्पेक्ट टू वॉट, एक्चुअल पोजिशन करेंगे, तो वो एंगुलर शिफ्ट कितना रहने वाला है, दैट विल बी ऑफ थीटा टू, ओके। ये समझ में आ रहा है आपको? तो मैं बोलूंगा एंगल पी टू ओ पी विच इज इक्वल टू वॉट, थीटा टू, इट इज एंगुलर शिफ्ट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू जो हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पोजिशन, ओके, एंगुलर शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू पी, ओके, ऑफ वॉट हम लोग बोलेंगे पी टू। एंड सिमिलरली मैं बोलूंगा एंगल पी वन ओ पी विच इज इक्वल टू वॉट, थीटा वन, तो वो क्या रहने वाला है, इट विल बी एंगुलर शिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू पी ऑफ पी वन। तो जो टोटल, जैसे यहां पे हम लोगों ने टोटल लीनियर शिफ्ट निकाला, तो टोटल एंगुलर शिफ्ट क्या रहेगा, टोटल एंगुलर शिफ्ट विल बी इक्वल टू वॉट, तो हम लोग बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू विच इज इक्वल टू वॉट, थीटा, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है थीटा, वी कैन प्रूव दैट कि आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला जो एंगल है थीटा, ओके, ये थीटा और ये थीटा क्या है, ज्योमेट्रिकली दे आर सेम, दे आर इक्वल। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो आप ये जो दो ट्राइंगल है, ओके, ट्राइंगल पी ई वन ई टू, ओके, एंड ट्राइंगल पी टू ओ पी वन, ओके, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और फिर उससे हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल है, एंगल पी टू ओ पी वन एंड एंगल ई वन पी ई टू, ओके, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो हम लोग बोलते हैं कि जो टोटल एंगुलर शिफ्ट होता है दैट इज वॉट, थीटा, ओके। ये क्लियर है आप लोगों को? यस, इसमें कोई डाउट है? एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। बाय मेजरिंग द पैरेलेक्स एंगल, अब जो पैरेलेक्स एंगल है थीटा, ओके, वो आपका कौन सा है? तो जो कब से मैं बोल रहा हूं टोटल एंगुलर शिफ्ट, दैट इज वॉट योर पैरेलेक्स एंगल, ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट बुक में उन्होंने इमिजिएटली क्या बोल दिया है कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, ओके। उन्होंने ये वाला एक्सप्लेन ही नहीं किया पार्ट कि आपको थीटा टू भी कंसिडर करना है एंड थीटा वन भी कंसिडर करना है, एंड वॉट इज एक्चुअली थीटा टू एंड वॉट इज एक्चुअली थीटा वन, ओके। इसलिए बहुत सारे बच्चे जब टेक्स्ट बुक में से डायरेक्टली देखते हैं उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि बेसिकली थीटा है क्या। तो आई होप अभी आपको आया समझ में, और अगर नहीं आया समझ में तो इमिजिएटली क्या करना है, मुझे ग्रुप पे पूछना है, ठीक है, ये क्लियर है, ओके। एनीवे, तो ये थीटा कैसे मेजर करते हैं, आपको आया समझ में? आप ये वाला एंगल मेजर करते हैं ज्योमेट्रिकली, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज वॉट, सेम, ठीक है। अब मैं पैरेलेक्स एंगल को एक और तरीके से बोल सकता हूँ, ओके, यस। तो हम लोग बोलते हैं दोनों आंखें क्या है, ओपन है, तो आपको इमेज कहाँ पे दिख रही है, ओके, पॉइंट पी पे दिख रही है। तो ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं वॉट एग्जैक्टली इज पैरेलेक्स एंगल, तो इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ओके, विद रिस्पेक्ट टू वॉट, बोथ द आईज, ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इमेजिन करो, ओके, कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है हमसे, ओके, यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या किया था, डीडीबी पे रखा हुआ था, यानी 25 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा ज्यादा रखा हुआ था। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ई1 एंड ई2 के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट काफी दूर है, ओके, लेट अस से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ओके, हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक टावर दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है, ओके। अब हम लोग वो डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, ओके, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, आपको एक सिंपल लॉजिक बता देता हूं, ओके। सबसे पहले एक बात आपको समझनी है, ओके, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ फार फार अवे डिस्टेंस. ओके, तो ऐसे केस में लेट अस से ये जो पॉइंट है इसको मैंने ओ बोल दिया. ओके, वी कैन से अप्रोक्सीमेटली ओपी इज इक्वल टू वॉट इवन पी विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट ई टू पी. ये आपको आ रहा है समझ में? देखो एकदम सिंपल लॉजिक है. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक या डेढ़ किलोमीटर के दूरी पे, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा ओपी का भी डिस्टेंस कितना रहेगा, उतना ही डेढ़ दो किलोमीटर रहेगा. इवन पी का एंड ई टू पी का भी डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा. ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है. अच्छा, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो थीटा है, थीटा का वैल्यू क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है. ओके, हम लोग बोलते हैं ये जो थीटा रहेगा, ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इफ ओपी इज वेरी लार्ज, थीटा इज वेरी स्मॉल. ओके, लेट अस इन ट्रायंगल ई वन पी ई टू. ओके, अगर मैं ऐसा बोलता हूं E1P पी एंड ई टू पी, ये दोनों क्या है, इक्वल है. ओके, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा एज्यूम करते ये क्या है, दिस इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा. ओके, दिस विल ऑल्सो बिकम एक्स एंड दिस विल ऑल्सो बिकम एक्स. तो हम लोग बोलेंगे हमें इक्वेशन कैसा मिलेगा, एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल कितना होता है, 180. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2x प्लस लेट अस से थीटा बहुत स्मॉल है. ओके, अभी एक्चुअली मैं आपको बोलूंगा 1 डिग्री, लेकिन वो 1 डिग्री से भी स्मॉल रहेगा. ओके, फिलहाल मैं क्या करता हूँ 1 डिग्री ले लेता हूँ. तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, ओके, 2x का वैल्यू क्या है, इट इज 179 डिग्री. तो ऐसे केस में जो x का वैल्यू आएगा वो कितना मिलेगा, दैट विल कम एज 89.5 डिग्री. ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 89.5 डिग्री. ये आपको आ रहा है समझ में? तो अगर मैं x को 89.5 बोलता हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली आप x को क्या कंसीडर कर सकते हो, कौन से तो भी एक x को 90 कंसीडर करो. ये आपको आ रहा है क्या समझ में? देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो दोनों x है वो क्या 89.5 के आसपास है. ओके, ध्यान से सुनना है मैं जो बोल रहा हूँ. तो उसमें से एक x को मैंने अप्रोक्सीमेटली 90 कंसीडर कर लिया. क्यों? तो मुझे यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री यूज करना है. ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 90 डिग्री, बट वी आर कंसिडरिंग इट इज वेरी क्लोज टू वॉट 90. तो एक एंगल जो है उसको मैंने 90 कंसीडर कर लिया. क्यों कंसीडर किया, तो वो मैं आपको बताता हूं. अब मैं यहां पे क्या अप्लाई करूंगा, ओके, आई विल अप्लाई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके, टैन ऑफ थीटा. आप टैन थीटा भी अप्लाई कर सकते हो या साइन थीटा भी अप्लाई कर सकते हो. ओके, देखो पहली बात क्या है, हम लोग बोलेंगे थीटा इज व्हाट, थीटा इज, ओके, इट इज वेरी स्मॉल. तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन ऑफ थीटा, ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इटसेल्फ, given that theta is measured in what, radian. ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना, अगर theta बहुत small रहा, okay, तो sin theta का value nearly equal to tan theta होता है. इसके पीछे के भी logic बताता हूँ मैं. tan theta क्या होता है, it is sin theta upon cos theta. अगर theta बहुत small रहा तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो zero को approach कर रहा है, okay, यानी zero के आसपास उसकी value है, okay, तो cos zero का value क्या रहता है, 1. तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं, ओके, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो कॉस जीरो क्या हो जाता है, ओके, या कॉस थीटा क्या हो जाता है, ओके, क्योंकि थीटा का वैल्यू जीरो के एकदम पास है, तो कॉस थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाता है, और हमें मिलता है टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा. तो ये ट्राइंगल में आप कुछ भी डिफाइन करो, ओके, आपको साइन थीटा डिफाइन करना है, आप साइन थीटा डिफाइन कर सकते हो या टैन थीटा भी डिफाइन कर सकते हो. मैं यहाँ पे अभी फिलहाल साइन थीटा डिफाइन करता हूँ. तो मुझे साइन थीटा क्या मिलेगा, ओके, तो मैं बोलूंगा साइन थीटा इज वॉट, तो अपोजिट. तो अभी आपको आ रहा है समझ में, मैं यहाँ पे, ओके, 90 डिग्री क्यों ले रहा था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेना है. ओके, तो साइन थीटा होगा अपोजिट, ओके, अपॉन हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस हम लोग क्या लेंगे, इवन पी. तो अपोजिट साइड जो है उसको मैं बोल देता हूँ इट इज इवन ई टू अपॉन, ओके, हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, दिस इज योर इवन पी. ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अभी जो इवन पी है, ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, ओपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, इवन पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, ई टू पी. तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, दिस इज गोइंग टू बी इवन ई टू अपॉन, ये जो इवन पी है तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, विल कॉल इट एज ओपी. एंड साइन थीटा का वैल्यू क्या है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, थीटा. तो हमें ये एक रिलेशन मिल गया है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इवन ई टू अपॉन ओपी. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे
जो पॉइंट ओ है वो इधर रहेगा ई वन एंड ई टू के बीच में, और जो ऑब्जेक्ट है इट इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस पी। ओके, तो ऐसे केस में अगर मुझे थीटा का वैल्यू पता है कि अगर ई वन एंड ई टू पे वो ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इफ आई नो द वैल्यू ऑफ थीटा, ओके, और ई वन एंड ई टू के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू ले लेते हैं, ओके, कि ई वन एंड ई टू के बीच में का डिस्टेंस हमको पता रहता है, ओके, वी कैन फाइंड दैट इजीली। ओके, तो अगर ई वन एंड ई टू का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओपी विल बी इक्वल टू वॉट ई वन ई टू अपॉन थीटा। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस। तो ये जो रिलेशन है इसको मैं फिलहाल हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से। अच्छा, इसमें क्या है ना कि आपके टेक्स्ट बुक में ये रिलेशन डायरेक्टली उन्होंने दिया। ओके, देखो मैं वापस एक बार रीड करता हूँ। बाय मेजरिंग द पैरेलेक्स एंगल थीटा, अब थीटा कैसे मेजर करना है वो उन्होंने बताया नहीं, वो भी मैंने पूरा मेथड आपको समझाया, ठीक है। एंड नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द आईज ई वन एंड ई टू एज शोन इन द फिगर, वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस, ओके, सच दैट ओपी इज इक्वल टू वॉट ई वन ई टू अपॉन थीटा। ये क्लियर है आप लोगों को? तो आई होप आपको अभी ये पैरेलेक्स मेथड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ है, ठीक है। पैरेलेक्स क्या है एग्जैक्टली वो आपको समझाए, और वो जो एंगल फॉर्म होता है, ओके, वो थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, थीटा टू प्लस थीटा वन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये फॉर्मूला कैसे आया उसको भी डिटेल में देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा जो पार्ट है तो हम लोग उसको आगे देख लेते हैं, और ये जो मैंने डायग्राम बनाया तो ये डायग्राम क्या है, ओके, तो जहां पे हम लोग ये लॉजिक लगाते हैं ये वाले ट्राइंगल में ई वन ई टू पी, सेम लॉजिक हम लोग ये डायग्राम के लिए भी यूज करने वाले हैं। देखो ये जो ट्राइंगल है एग्जैक्टली ऐसा ही ट्राइंगल है, बस ये क्या है आप ऐसे देख रहे हो, ये वर्टिकल है और ये क्या है हॉरिजॉन्टल। तो बेसिकली ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि लेट अस से ये एक प्लैनेट है, ठीक है, यस, और वो प्लैनेट के दो पॉइंट्स है, आप एक स्पेस में एक बॉडी है, बॉडी है क्या हो सकता है, तो एक दूसरा प्लैनेट या कोई स्टार हो सकता है, ठीक है। तो उसको आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इसको आप कैसे लॉजिक से देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ओके। इमेजिन करो ये एक प्लैनेट है, ठीक? या ये अर्थ है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। अर्थ के ऊपर के दो पॉइंट्स लिए मैंने जिनके बीच में का मुझे स्ट्रेट डिस्टेंस पता है, ठीक है, यानी उनके बीच में का लीनियर डिस्टेंस कितना है वो पता है। तो ऐसे केस में, ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट ए से टेलीस्कोप के थ्रू क्या करता हूँ, ओके, पॉइंट पी को ऑब्जर्व करता हूँ, ओके, एंड पॉइंट बी से भी टेलीस्कोप के थ्रू क्या करता हूँ, पी को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं सपोज टेलीस्कोप को ऐसा रखता हूँ लाइक दिस, और जब मैं टेलीस्कोप को, ओके, इस तरह से रोटेट करता हूँ लाइक दिस टू सी द ऑब्जेक्ट पी, ओके, ऑब्जेक्ट या फिर मैं इसको प्लैनेट बोल सकता हूँ, ओके, तो ऐसे केस में ये जो एंगल रहेगा, लेट अस से इसको मैंने बोल दिया थीटा वन, और ये वाला जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, थीटा टू। तो सेम लॉजिक लगाना है आपको, थीटा वन प्लस थीटा टू क्या होने वाला है, थीटा, इसका मतलब ये जो थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है, ये क्लियर है। और हम लोग बोलेंगे कि अर्थ एंड वो जो प्लैनेट है तो उसके बीच में का जो डिस्टेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट, तो लेट अस से अगर ये पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया, सो वील से ओपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट एपी, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट वील से पीपी। ये आपको आ रहा है समझ में? और हम लोग सेम ही लॉजिक यूज करेंगे, जो ओपी का आपका वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या था, ईवन ई टू अपॉन थीटा था, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ईवन ई टू के जगह पे आ जाएगा ए बी अपॉन वॉट कैन कॉल इट एज थीटा, ओके, सो ओपी विल बी इक्वल टू वॉट ए बी अपॉन थीटा। अभी आप बोलोगे सर लेकिन लास्ट टाइम ओ पॉइंट जो था वो ईवन एंड ई टू के सेंटर में था, तो मैं बोलूंगा ये ओ पॉइंट जो है आप ये इधर भी कंसीडर कर सकते हो लाइक दिस, ओके, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ओके, लेट अस से इसको अगर मैंने एक्स बोल दिया तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू व्हाट, तो ये बड़ा वाला डिस्टेंस, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर है, ये आपको आ रहा है समझ में, और ये जो है ये कुछ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में, तो इसलिए हम लोग जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स और उसको और मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स को कंपेयर किया तो ये एक्स डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट ओ आप इधर कंसीडर करो या सेंटर में कंसीडर करो, ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो मिलियन का मतलब क्या रहता है, हम लोग बोलते हैं उसका ऑर्डर क्या रहता है, 10^6, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। तो 10^6 किलोमीटर और 10^3 किलोमीटर को अगर मैंने कंपेयर किया तो 10^6 का वैल्यू क्या रहने वाला है, बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो ऐसे केस में पॉइंट ओ को मैं इधर भी एज्यूम किया तो भी वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी, ओके,
हम लोग अभी मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके, वो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, एज द डिस्टेंसेज ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ आर वेरी लार्ज, वी कैनॉट यूज टू आइस मेथड एज डिस्कस्ड हियर। लेकिन उसके सिमिलर मेथड हम लोग यूज करेंगे, और आइस के जगह पे क्या यूज करेंगे? टेलीस्कोप। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जैसे अर्थ है, तो उसके सर्फेस पे हम लोग क्या करेंगे? दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। ओके, दोनों पॉइंट्स पे हम लोग इस तरह से टेलीस्कोप को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। ओके, और जो प्लैनेट पी है या जो भी ऑब्जेक्ट है पी, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, आपको कितने एंगल से उसको क्या करना है? रोटेट करना है। वो एंगल हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। मैं ये थीटा वन थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो मैं रोटेट करूंगा वो क्या रहेगा? दैट विल बी थीटा टू, एंड थीटा वन प्लस थीटा टू ये क्या रहने वाला है? सो इट विल बी दिस एंगल थीटा दैट इज सबटेंडेड बाय द प्लैनेट पी, ओके, ऑन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, और फिर जैसे मैंने बोला है कि ये जो ओपी डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये पॉइंट ओ आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इधर भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये क्या बोला है, ये जो x डिस्टेंस है वो बहुत ही निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू वॉट, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। ये आपको क्लियर है? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है। देखो देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ओके, लेट अस से दिस इज पॉइंट O एंड ये क्या है? दिस इज पॉइंट P। तो अभी O इधर है एंड O डैश थोड़ा सा पीछे है, ओके, या O डबल डैश जो मैंने बताया था थोड़ा सा पीछे है। तो जितना OP का वैल्यू है उतना ही O डबल डैश P का भी वैल्यू है। ठीक है, तो आपको चाहिए, तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर E1 E2 के बीच में यहाँ पे पॉइंट O था, तो मैंने क्या किया, ये O को इधर शिफ्ट कर दिया है, O डबल डैश बोल दिया है। ठीक है, तो आप OP की जगह पे ऐसे बोल सकते हो, O डबल डैश P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OP इज इक्वल टू वॉट AB अपॉन थीटा। ये अब क्लियर है? तो यही अभी हम लोगों को टेक्स्ट बुक में भी देखना है। ओके, तो टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही बोला हुआ है, कंसिडर टू पोजिशंस A एंड B ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ सेपरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन Which is at a distance b as shown in the figure, okay? तो ये जो distance है ये आपको ध्यान में रखना है, okay? ये कितना दिया हुआ है? Distance जो दिया हुआ है that is given as what? b, okay? The two observer at these two points, okay? Observe a distant planet s simultaneously. We measure the angle a s b, okay? Between the two, अभी a s b है ना ये वाला angle, this one, theta. कैसे measure करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? Yes, एकदम simple है, आप ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो, ओके? ये जो है ये एंगल थीटा वन है और ये एंगल थीटा टू है, ओके? ये रेक्टेंगल आपको क्या करना पड़ेगा, बस कंप्लीट करना पड़ेगा लाइक दिस, ओके? ये घर पे आप ट्राई करके देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा वन एंड दिस एंगल इज थीटा टू, वी कैन ज्योमेट्रिकली प्रूव, ओके? आप लोगों ने जो 9th 10th में ज्योमेट्री सीखा है उससे आप डेफिनेटली प्रूव कर सकते हो कि ये जो बीच का एंगल थीटा है दैट इज इक्वल टू व्हाट? थीटा वन प्लस थीटा टू, ओके? यस, ये आप लोग खुद एक असाइनमेंट करके देखो, एज ए होमवर्क करके देखो ये आपको आ रहा है क्या नहीं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है? एनीवे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी मेजर द एंगल एएसपी बिटवीन द टू डायरेक्शंस अलोंग विच द प्लैनेट इज व्यूड एट दीज टू पॉइंट्स, दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल थीटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पैरेलेक्स एंगल। ये क्लियर है? ओके, तो इसको मैं अच्छे से मार्क कर देता हूं। So this is your basically what? Parallax angle. Now as the planet is very far away, that is the distance of the planet from the earth is very large in comparison to what? B. यानी ये वाला जो distance है, ये जो आपका जो point लिया हुआ है center का point, और जो S का distance है वो बहुत ही ज्यादा है as compared to what? Distance between A and B. ये clear है आप लोगों को? तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, okay? B upon D. अब ये वाला जो distance है, okay? उन्होंने क्या लिया हुआ है? कैपिटल डी लिया हुआ है। देखो ये वाला डिस्टेंस भी डी है, ये वाला भी क्या है? कैपिटल डी है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ए बी इतना छोटा है कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं ये बीच वाले पॉइंट को ओ बोल देता हूं, ठीक है, जैसे यहां पे मैंने बताया हुआ है, इसको मैंने ओ डबल डैश बोला हुआ है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा था, ओपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए पी विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट बी पी। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यहां पे भी मैंने बोला था इवन पी OP एंड E to P, ओके, वो क्या रहता है? ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो प्लैनेट्स के केस में 100% क्या होगा? सेम होगा। ये आपको आ रहा है क्या समझ में? देखो जो प्लैनेट का डायमीटर है वो बहुत ही कम है, ऐसा सोच लो आप, तो वो हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे कि AP, BP एंड जो OP है या O डबल डैश P है उसका वैल्यू क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। ये क्लियर है? ओके, और उसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है? कैपिटल D बोला। ये क्लियर है? ओके,
रेशियो ऑफ बी अपॉन डी इज वेरी मच लेस देन 1, ओके, एंड देयरफॉर थीटा इज व्हाट, वेरी स्मॉल। अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, सेम लॉजिक यूज करके वी कैन प्रूव दैट कैपिटल डी इज इक्वल टू व्हाट, बी अपॉन थीटा। कैपिटल डी है ना, यहाँ पे उन्होंने क्या लिया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी, ओके, ओ डबल डैश पी या ओपी जो है उसको उन्होंने क्या बोला हुआ है, कैपिटल डी, ओके। तो मैं तो बेसिकली यही लॉजिक यूज करके, ओके, हम लोग क्या बोलते हैं, जो टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला आया हुआ है वो उन्होंने क्या बोला हुआ है, कैपिटल डी इज इक्वल टू वॉट, बी अपॉन थीटा। बी यानी क्या है, तो इट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी क्या है, तो वो हो जाता है, इट इज, अगर ये पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया, दिस पॉइंट, तो वो होने वाला है ओ एस, ओके। एक बार हम लोग हमारा डायग्राम देख लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ डबल डैश पी और ओ पी। अब जो ओ पी है, ओके, आप ये पॉइंट को ओ बोल सकते हो, ओ डबल डैश बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो जो ओ डबल डैश पी या ओ पी जो है, तो आपके टेक्स्ट बुक में उसको क्या बोला हुआ है, ओके, दे हैव कॉल्ड इट एज कैपिटल डी, ठीक है। और दूसरी बात, जो ए बी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ओके, तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या बोला हुआ है, उसको स्मॉल बी बोला हुआ है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है, कैपिटल डी इज इक्वल टू वॉट, स्मॉल बी अपॉन थीटा। ये क्लियर है, यस yes? तो इस तरह से हम लोगों ने जो यहाँ पे सॉल्व किया है वो टेक्स्ट बुक के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ओके। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे जो स्टेप्स है उन्होंने क्या किए हुए हैं, डायरेक्टली आपके सामने दिए हुए, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। तो जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है वही लॉजिक से आपने जाना है, सिर्फ यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक के वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट किए हमें, तो हमको रिलेशन क्या मिलता है, डी इज इक्वल टू वॉट, बी अपॉन थीटा, ओके। इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम अनदर प्लैनेट या डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम अ प्लैनेट, ओके, कैन बी मेजर्ड। अब वो प्लैनेट कौन सा है, तो बेसिकली जिसके ऊपर हम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ए और बी के भी ऊपर जो ऑब्जर्वर रह गए, ओके, वो क्या रहने वाले हैं, तो हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वर कहाँ पे रह गए, जहाँ पे लाइफ है। तो अभी फिलहाल हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं, ये आपको आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है। और पॉइंट एस जो है, तो वो पॉइंट एस क्या है, इट इज अ प्लैनेट विच इज एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ये क्लियर है, आपके डायग्राम में भी दिया हुआ है, देखो दिस इज अर्थ एंड पॉइंट एस क्या हो सकता है, इट कैन बी अ स्टार और इट कैन बी अ प्लैनेट। ये क्लियर है। अच्छा, इसमें मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज टू स्टार्स, ओके, हम लोग बोलते हैं सन इज द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, द नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.29 लाइट ईयर्स। अब हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर क्या है, ओके, तो लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। वॉट एग्जैक्टली इज लाइट ईयर, तो हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, ओके, इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर, ओके। तो वो जो डिस्टेंस रहेगा वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू रहने वाली, ओके। अभी हम लोग बोलते हैं कि लाइट का स्पीड क्या है, तो इट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। तो आप इमेजिन करो कि एक जो दिन है उसमें हम लोग बोलते हैं कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 86400 सेकेंड्स होते हैं। तो हम लोग बोले कि एक साल में कितने सेकेंड्स हो गए, तो वो सेकेंड्स अगर आप कैलकुलेट करते हो, उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हो, वो जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, दैट विल बी लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर की वैल्यू भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। द पैरेलैक्स मेजर्ड फ्रॉम द टू मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ फॉर द स्टार्स विल बी टू स्मॉल टू बी मेजर्ड, ओके। पैरेलैक्स मेजर्ड यानी क्या, तो वो एंगल की बात कर रहे हैं। एंड फॉर दिस पर्पज वी मेजर द पैरेलैक्स बिटवीन टू फार्देस्ट पॉइंट, दैट इज, ओके, 2 AU अपार्ट, सी द बॉक्स बिलो, अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ओके। तो ये जो अभी पैराग्राफ दिया है वो समझने के लिए, ओके, हम लोगों को बेसिकली, ओके, ये जो बॉक्स दिया है उसके अंदर के जो, ओके, एब्रीवेशन है या जो टर्म्स है वो हमको समझने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज एस्ट्रोनॉमर्स यूज फॉलोइंग यूनिट्स। पहला वाला जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कैपिटल AU इज नथिंग बट 1.496 × 10^11 मीटर। फिर सेकेंड जैसा मैंने बोला है, ओके, लाइट ईयर, वो भी क्या, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 9.46 × 10^15 मीटर। फिर जो नेक्स्ट दिया हुआ है, ओके, दैट इज वॉट, पार्सेक, ओके, पार्सेक बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, इट इज, ओके, एब्रीवेशन ऑफ पैरेलेक्टिक सेकेंड। अब पैरेलेक्टिक सेकेंड या पार्सेक क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसका वैल्यू क्या आता है, इट कम्स टू बी 3.08 × 10^16 मीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट, 3.26 times लाइट ईयर। यानी लाइट ईयर के वैल्यू को अगर आप 3.26 times मल्टीप्लाई करोगे, तो वो जो यूनिट आता है, दैट इज वॉट, पार्सेक, ओके। अब पार्सेक का इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो ये डायग्राम में देखेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल मैं आपको क्या बोलूंगा, अ लाइट ईयर इज वॉट, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर, ठीक है। द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे 1 AU दिया हुआ, तो एग्जैक्टली 1 AU क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज मीन डिस्टेंस बिटवीन वॉट,
सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं पारसेक क्या है, तो पारसेक इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वेयर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ वन सेकेंड ऑफ आर्क, ओके। अब देखो एंगल ऑफ वन सेकेंड ऑफ आर्क का मतलब क्या है, ओके। सो वी से कि अगर मैं बोलता हूं कि 60 सेकेंड्स है तो वो कितना होता है, वन मिनट, ओके, यस। और 60 मिनट्स क्या फॉर्म करता है, वन डिग्री। ये आपको आ रहा है समझ में, तो ये आपको रिलेशन ध्यान में रखना है, ओके। तो यहां पे हम लोग एंगल क्या बोल रहे हैं, देखो वन डिग्री कितना होता है, 60 मिनट्स, ठीक है, और वन मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड्स, ओके। तो जब मैं वन सेकेंड की बात करता हूं तो बहुत ही छोटा एंगल होने वाला है, ओके, यस। तो ये वन सेकेंड ऑफ आर्क जो है, ओके, उसके रिलेशन को मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वी से जो वन डिग्री होता है इट इज इक्वल टू व्हाट, 60 मिनट्स। वन मिनट जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज इक्वल टू व्हाट, ओके, 60 सेकेंड। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, अगर मैं डिग्री और सेकेंड्स को कंपेयर करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं वन डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, तो 60 इंटू 60 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 3600 सेकेंड। ये क्लियर है, तो मैं बोलूंगा वन सेकेंड कितना रहेगा, ओके, वन सेकेंड जो रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी वन अपॉन या वन डिग्री डिवाइडेड बाय 3600। तो इसका मतलब क्या है कि एक डिग्री के अगर मैं 3600 ओके पीसेस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वन सेकेंड का एंगल मिलेगा, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं कि वन सेकेंड को नॉर्मली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, ओके, ये क्लियर है आप लोगों को। तो यहां पे भी उन्होंने वो ही दिया हुआ है, ओके, कि अ पारसेक इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वेयर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, ओके, वन सेकेंड ऑफ आर्क। अब इसका मतलब क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। इमेजिन करो ये अर्थ का ऑर्बिट है अराउंड द सन और सन सेंटर में, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट अस से दिस इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ, ओके, तो यहां पे मैं ई लिख देता हूं। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस, ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो सन से मैं वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके ऊपर मैं क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस, और ये पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूं, लेट अस से दिस पॉइंट इज व्हाट, पी, ठीक है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज वन पारसेक, ओके, यस। तो यहां पे वापस वन पारसेक का डेफिनेशन देख लेते हैं। वन पारसेक पीसी इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ वन सेकेंड ऑफ आर्क। इसका मतलब क्या है, ओके, कि ये जो वन ए यू है वो पॉइंट पी पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ओके, वन सेकेंड का। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो पी एस है, ओके, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉट, वन पारसेक, ओके, ये क्लियर है आप लोगों को, यस। तो हम लोग बोलेंगे ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज वन पारसेक। अभी आपको क्लियर है, ओके, तो आपको बेसिकली वापस मैं एक बार बता देता हूं कि हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द पोजिशन ऑफ द सन और उसके आजू बाजू हम लोग क्या बोल रहे हैं, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये भी बात ध्यान में रखो कि सन और अर्थ के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि सन के अराउंड जो अर्थ है, ओके, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव होती है, ओके, यस। ये कुछ इस तरह से रहता है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के रख रहा हूँ, ये आप लोग अभी आगे के टॉपिक्स में सीखोगे। और हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ये जो शेप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एलिप्स, ठीक है। सन जो रहता है वो हम लोग बोलते हैं एलिप्स के सेंटर में भी नहीं रहता है, एलिप्स का सेंटर यानी कुछ ऐसा रहेगा आपका, दिस विल बी द सेंटर ऑफ द एलिप्स, ओके। और हम लोग बोलते हैं ये पॉइंट जो रहता है उसको बोलते हैं फोकस ऑफ द एलिप्स, ठीक है। हम लोग बोलते हैं सन इज सिचुएटेड एट द फोकस ऑफ द एलिप्स, और जो अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ क्या होगी, इट विल कीप ऑन, ओके, रिवॉल्विंग इन व्हाट, एलिप्टिकल ऑर्बिट। हम लोग बोलते हैं अर्थ और सन का जो डिस्टेंस रहता है, ओके, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ओके, इसका एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं, और वो जो एवरेज या मीन डिस्टेंस है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, ये कैपिटल यू आएगा। एनीवे, बोलने का मतलब क्या है, एज्यूम करते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि जो अर्थ है वो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, तो हम लोग बोलेंगे वो जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है वो क्या लिया हुआ है, हम लोगों ने वन ए यू लिया हुआ है। तो अर्थ के ये पोजिशन पे, ओके, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऑन द वर्टिकल एक्सिस सच दैट
ये लाइन और जो वर्टिकल एक्सिस है उसके बीच में एंगल कितना हो रहा है, ओके 1 सेकंड आर्क का हो रहा है, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो सिंपली 1 सेकंड का हो रहा है। 1 सेकंड है ना क्या, तो 1 डिग्री के अगर मैं 3600 पार्ट्स करता हूँ, ओके, तो इतना छोटा अगर एंगल बनता है तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज 1 पार्सेक। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है, यस। तो वी से 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑफ आर्क, ठीक है, यस। अब यहाँ पे उन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने शायद ओके यहाँ पे स्मॉल आर यूज किया हुआ है, ओके यस, ये वाला जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने क्या बोला हुआ है, आर बोला हुआ है, और उसका रिलेशन कैसा निकाला हुआ है, 1 AU अपॉन द एंगल, ओके एंगल ऑफ व्हाट, 1 सेकंड, बट उसको किस में कन्वर्ट किया उन्होंने, रेडियन में कन्वर्ट किया। ये जो है वो क्या बोला हुआ उन्होंने, दिस 1 सेकंड शुड बी टेकन इन व्हाट, रेडियन, ठीक है। अच्छा अभी उसमें यहाँ पे ये रिलेशन कैसे आया, ये जो उन्होंने सॉल्व किया है वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये रिलेशन कैसे आया, तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट अस से ये वाला जो एंगल है उसको मैंने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। ये एंगल क्या है, तो हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री। सो कैन आई से इन ट्राइंगल PSE, ओके टैन थीटा क्या हो जाएगा, तो इट विल बी अपोजिट SE अपॉन वॉट, PS, तो कैन आई से PS विल बी इक्वल टू वॉट, SE अपॉन टैन ऑफ थीटा, ओके यस। और हम लोग बोले कि SE यानी क्या है, तो आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी मीन डिस्टेंस बिटवीन वॉट, द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये क्लियर है। अब हम लोग बोलते हैं कि जो थीटा है वो बहुत स्मॉल है, थीटा का वैल्यू क्या है, इट इज ओनली 1 सेकंड। तो हम लोग बोलते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं ओके टैन ऑफ थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट, थीटा। तो इधर हम लोग टैन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। गिवन दैट ये थीटा किस में मेजर होना चाहिए, रेडियन में मेजर होना चाहिए, इसलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज गोइंग टू बी वॉट, 1 AU अपॉन थीटा इन रेडियन, यानी क्या, तो आपको 1 सेकंड जो है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, तो सबसे पहले 1 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आपको कितना मिलेगा, 1/3600, ओके लेट अस से डिग्री, उसको आप पाई बाय 180 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन वॉट, रेडियन, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि ये जो PS है यानी क्या, तो 1 पार्सेक जिसको मैं आर बोलता हूँ, दैट इज इक्वल टू वॉट, 1 AU अपॉन ओके 1 सेकंड, बट इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, रेडियन। तो आपके टेक्स्ट बुक में उसका डायरेक्ट कैलकुलेशन दिया हुआ है, 1 AU क्या लिया हुआ है, 1.496 × 10^11, एंड 1 सेकंड इन टर्म्स ऑफ रेडियन तो वो क्या रहने वाला है, 4.847 × 10^-6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 पार्सेक का वैल्यू कितना आएगा, इट विल कम एज 3.08 ओके × 10^16 मीटर। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये वैल्यू, और तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलता है ये वैल्यू और यहाँ पे जो पार्सेक का वैल्यू हम लोगों ने देखा हुआ है ओके, वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ये क्लियर है। तो जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जो 1 पार्सेक का वैल्यू मिल रहा है, इट इज कमिंग एज 3.08 × 10^16 मीटर, और इधर भी वैल्यू क्या मिल रहा है, 3.08 × 10^16 मीटर, ठीक है ओके। तो आई होप आपको 1 पार्सेक का कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। अच्छा अभी जो 1 पार्सेक का कंसेप्ट है, ठीक है यस, तो उसके बाद हम लोग वापस मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स जाते हैं ओके। तो ये हम लोगों ने पैराग्राफ तो रीड किया था, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जांपल 1.2 है ओके वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी जो एग्जांपल 1.2 है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 डिस्कस करके ओके जो पैरेलेक्स मेथड है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, 100% कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोगों ने 95% कंप्लीट कर लिया है, ये जो 2 छोटे पार्ट है वो बाकी है, ठीक है यस। तो जब हम लोग ये न्यूमेरिकल देखेंगे ओके, तो इट इज बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला ओके, जो हम लोगों ने ये जो कंसेप्ट देखा था, दिस वन डी इज इक्वल टू व्हाट, तो बी अपॉन थीटा ओके, तो इट इज बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला ठीक है। तो वो हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद ओके वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम दोनों हार्डली हम लोग बोलेंगे, दोनों को 7 to 8 मिनट्स लगेंगे ठीक है यस। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं क्या करूंगा ओके, ट्राई करूंगा कि ये हम लोग 30 मिनट्स में कंप्लीट कर ले जो बचा हुआ पार्ट था हमारा, और अगर कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल ओके या फिर कोई स्पेशल कंसेप्ट अगर मुझे आपको लगता है कि और एक्स्ट्रा आपको सिखाना है
ओके, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।